दोस्तों जहां केकेआर के बल्लेबाजों ने एक तरफ काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, वहीं दूसरी तरफ केकेआर के बॉलर्स ने भी काफी शानदार बॉलिंग की। केकेआर के बॉलर्स के सामने आरसीबी के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आरसीबी इतना तगड़ा चौक करेगी। साथ ही दोस्तों आरसीबी वर्सेस केकेआर के इस मैच में एक तगड़ी राइवलरी देखने को मिली, जो कि लोगों को काफी ही ज्यादा हैरान कर गई। हां दोस्तों, इस मैच में एम्पायर की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती सामने निकल कर आई, जो कि आगे जाकर आरसीबी की हार का कारण बनी है। और जब ये बात सभी को पता चलती है तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मच जाती है। किसी भी खिलाड़ी और मैनेजमेंट को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। दोस्तों आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा और जिसके चलते हम आगे जाकर काफी बढ़िया कंटेंट बना पाएंगे। हां दोस्तों, आपका एक लाइक जो कुछ भी हुआ है वो ठीक भी कर देगा। अब देख लो गाइस आपका एक लाइक कितना काम आने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज खेला गया आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में एक महामुकाबला। इस महामुकाबले के ऊपर दोनों ही टीमों की नजरें टिकी हुई थी, दोनों ही टीमों के फैंस इस मैच को देखने पहुंचे हुए थे। इस मैच का टॉस जीतती है तो केकेआर की टीम और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करती है। केकेआर की तरफ से बल्लेबाजी करने आए शुरुआत में तो खारे खिलाड़ी आउट होते जा रहे, लेकिन बाद में शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने काफी शानदार पारी खेली। इन्हीं दोनों के शानदार बल्लेबाजी की वजह से केकेआर की टीम 200 प्लस रन बना पाई। दोस्तों ये मैच जीतना आरसीबी के लिए बेहद जरूरी, लेकिन वो चीज आरसीबी की टीम के तरफ से नहीं देखने को मिली। इस बड़े से स्कोर को चेज करने आती है आरसीबी की टीम। शुरुआत में तो काफी बढ़िया खेलती है, शुरुआत के 4 ओवर में आरसीबी की टीम 40 से ऊपर रन बना लेती है, लेकिन जैसे ही इस गेम में स्पिनर्स आते हैं इसके बाद फिर पूरा ही गेम चेंज हो जाता है। कोलकाता के स्पिनर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग की, कोलकाता के स्पिनर्स शानदार बॉलिंग करते हुए बैक टू बैक विकेट्स लिए, जिसके बाद फिर आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी धराशाह होती चली गई और फिर बाद में आकर आरसीबी के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और ये मैच आरसीबी हार गई।